क्या आपको बूटेबल पेन ड्राइव बनाना आता है? अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आता है तो मैं आपको इस वीडियो में बूटेबल पेन ड्राइव बनाना बताने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल टेक माइंड वर्ल्ड में। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे टेक माइंड वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं इन सब के ऊपर वीडियो ट्यूटोरियल बनाकर इस चैनल पर डालता रहता हूं। सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल का आइकन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करके आप हमारे आने वाले हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है पावर ISO। तो चलिए सबसे पहले सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमें उसको डाउनलोड करना होगा, तो अपने ब्राउजर में चले जाते हैं और यहाँ पर टाइप करते हैं google.com और यहाँ पर टाइप करेंगे पावर ISO। तो आप यहाँ सबसे ऊपर देखेंगे डाउनलोड पावर ISO, यहाँ पर इसका लिंक है www.powerISO.com, यहाँ पर क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ पर भी क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर दो लिंक हैं, एक 32-bit में और 64-bit में है। अगर आपकी विंडो 32-bit में है तो आप 32-bit में डाउनलोड करिएगा, और आपकी विंडो 64-bit में तो आप 64-bit वाला यहाँ पर डाउनलोड करिएगा। तो अभी मैं जो अभी इंस्टॉल करने वाला हूँ यहाँ पर 32-bit में करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे लैपटॉप में जो विंडो इंस्टॉल है वो 32-bit में है, तो वो 32-bit को ही सपोर्ट करेगा। तो चलिए यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, यहाँ इसको स्किप कर देंगे और इसको भी स्किप कर देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ डाउनलोडिंग हमारी स्टार्ट हो गई है। पावर ISO हमारा डाउनलोड हो चुका है, अब यहाँ पर क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेंगे। पावर ISO को मैंने अपने कंप्यूटर पर पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं अभी इसको इंस्टॉल नहीं करूँगा, यहाँ मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। आप इसको आई एग्री करके आगे नेक्स्ट करिएगा, तो ये आपका पावर ISO इंस्टॉल हो जाएगा। तो चलिए अभी मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, और इंस्टॉल होने के बाद आपके सिस्टम पर इस तरीके से इसका आइकन दिखाई देगा। तो चलिए अब इस आइकन पर डबल क्लिक कर लेते हैं, इसको यहाँ से बंद कर देंगे। अब हमें अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना है, तो आप यहाँ पर देखेंगे टूल्स, यहाँ टूल्स पर जाना है, उसके बाद यहाँ आप नीचे देखेंगे क्रिएट बूटेबल USB ड्राइव, यहाँ इस ऑप्शन पर आपको जाना होगा। तो चलिए यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ इसको ओके करेंगे। ये मेरे से एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन कुछ मांग रहा है, तो चलिए मैं ओके कर देता हूँ। जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने ये ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा, सोर्स इमेज फाइल, यहाँ से आप इमेज फाइल ले लेंगे, और यहाँ पर डेस्टिनेशन USB ड्राइव। तो अभी हमने पेन ड्राइव नहीं लगाई अपने सिस्टम पर, तो अभी यहाँ पर ब्लैंक दिखा रहा है। तो चलिए मैं अपने सिस्टम पर पेन ड्राइव लगा लेता हूँ। अब ये मैंने पेन ड्राइव अपने सिस्टम पर लगा दी है। तो यहाँ पर जो हम बना रहे हैं बूटेबल पेन ड्राइव, वो ISO इमेज से बना रहे हैं। मेरे पास कुछ पहले से ISO इमेज सिस्टम पर पड़ी हुई है, तो मैं उस ISO इमेज से आपको बूटेबल पेन ड्राइव बनाकर बताऊंगा। तो अभी यहाँ पर इसने पेन ड्राइव को नहीं पकड़ा है, हमें दोबारा से इसको ओपन करना होगा। इसको पहले हम क्लोज कर देते हैं, हम दोबारा से पावर ISO पर क्लिक करेंगे, क्लोज कर देंगे और फिर से टूल्स पर जाएंगे और क्रिएट अ बूटेबल USB ड्राइव, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन मांग रहा है, यहाँ ओके कर देंगे, यहाँ इसको क्लोज कर देंगे। तो ये देखिए, जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है सोर्स इमेज फाइल, तो यहाँ से हम जहाँ पर हमारी इमेज फाइल है वो सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर क्लिक करके मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अभी मेरे पास ये कुछ ISO इमेज फाइल यहाँ पर है, तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, ये बनाता हूँ, विंडोज 7 है ये, ऑल वर्जन है इसमें, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ ओपन पर क्लिक कर देंगे। तो सोर्स फाइल हमारी सेलेक्ट हो गई है, और यहाँ पर इसने पेन ड्राइव को भी ऑटोमेटिक ले लिया है। अगर आप पेन ड्राइव नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर ब्लैंक दिखाएगा। अभी इसने ये HP की मेन पेन ड्राइव है, ये इसने पकड़ ली है, और उसके बाद यहाँ स्टार्ट पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर पूछ रहा है ऑल डेटा इन द USB ड्राइव विल बी ओवरराइटेन, डू यू वांट टू कंटिन्यू। ये पूछ रहा है मेरा कुछ डेटा है पेन ड्राइव के अंदर, तो ये पूछ रहा है क्या उसी के ऊपर राइट कर दिया जाए। तो मैं यहाँ पर इसको ओके कर देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारी पेन ड्राइव है वो राइट होना शुरू हो गई है। यहाँ पर देखिए स्टार्ट राइटिंग USB ड्राइव,
अगर आपको ISO इमेज फाइल नहीं बनाना आता है तो मैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में ISO इमेज फाइल भी बनाना बता दूंगा कि कैसे ISO इमेज फाइल बनाते हैं। तो यहाँ आप नीचे देख सकते हैं ग्रीन सी जो लाइन है ये चलने लगी है, ये लाइन पूरी यहाँ तक लास्ट तक आएगी, तब तक ये हमारा प्रोसेसिंग चलता रहेगा। जब ये फिनिश हो जाएगी उसके बाद ही हमारी पोर्टेबल पेन ड्राइव पूरी तरीके से बन पाएगी। चलिए कुछ देर वेट करते हैं, तब तक ये हमारी पेन ड्राइव पोर्टेबल बनती है। तो यहाँ देखिए रिटर्न USB ड्राइव सक्सेसफुल, और यहाँ ओके कर देंगे और इसको क्लोज कर देंगे और यहाँ से इसको भी क्लोज कर देंगे। अब चलिए देखते हैं हमारी पेन ड्राइव पोर्टेबल बन चुकी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये मेरी पेन ड्राइव है, इसको ओपन करके देखते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं यहां सेटअप आ चुका है। तो दोस्तों अब इस बूटेबल पेन ड्राइव से आप अपने सिस्टम पर OS डाल सकते हैं, विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपकी विंडो करप्ट हो जाती है, कुछ भी दिक्कत आती है, तो आप पेन ड्राइव लगाकर उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में मैं आपको बूटेबल पेन ड्राइव से विंडो इंस्टॉल करना बताऊंगा कि कैसे बूटेबल पेन ड्राइव से आप सिस्टम पर विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।